हे गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, बच्चों की छुट्टियां हो या फिर संडे स्पेशल हो, या फिर गर्मी हो या सर्दी हो, जब हम मूवी थिएटर में देखने जाएं या फिर मॉल में जाएं, तो वहां जाके क्या खाते हैं? पॉपकॉर्न्स। और बहुत ही महंगे खरीदते हैं इन पॉपकॉर्न्स को। देखिए गाइस, तो ये जम्मी टेस्टी पॉपकॉर्न 10-20 रुपए में ढेरों बन जाते हैं, जो हम 150 से 200 रुपए खर्चते हैं इन पॉपकॉर्न्स के। एकदम जम्मी क्रिस्पी कुरकुरे से, देखिए क्रंची वाले बनाएंगे, कैरेमल वाले कैसे बनाएंगे, मसाला पॉपकॉर्न कैसे बनाएंगे, एकदम यम्मी टेस्ट। देखिए है ना, एकदम क्रंची वाले पॉपकॉर्न्स गाइस, बहुत यम्मी टेस्टी बनेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ इस रेसिपी के साथ। देखिए गाइस, आपको बड़े इजी टिप्स बताऊंगी, कभी भी आपके जो पॉपकॉर्न्स ख़राब नहीं होंगे, ना जलेंगे, ना दाना कच्चा कच्चा रहे, एकदम खिले खिले पॉपकॉर्न्स बनाएंगे। चाहे मसाला वाले बनाइए, चाहे आप फिक्के वाले बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, चलिए आपकी किचन विद नीरू वाली आप बनाते हैं हम मसाला पॉपकॉर्न्स, यम्मी और टेस्टी। देखिए गाइस, बने रहिए मेरे साथ। तो जहाँ पॉपकॉर्न्स कैसे लेंगे गाइस, देखिए ओनली 30 रुपए के मैंने ये पॉपकॉर्न्स लिए हैं, जो मैं भर भर के डब्बे बनाऊंगी। ये बारीक दाना होता है ना, जो पॉपकॉर्न अमेरिकन कॉर्न्स कहते हैं, ये वही छोटा गोल वाला मक्की का दाना लिया है जी। मक्की के दाने आम आराम से मिल जाते हैं गाइस, आजकल किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं। तो बनाने से पहले हम क्या करेंगे, जिस भी कुकर में बनाएंगे उसकी पहले सीटी ऊपर निकाल देंगे, और उसके बाद जो रबड़ होती है ना, इसको भी निकाल देंगे। आप मेरे वाले तरीके से एक बार बनाइए गाइस, आपके सारे फूले फूले बनेंगे पॉपकॉर्न, कोई भी जलेगा नहीं नीचे, ना ही खड़ा दाना रहेगा। तो एक कड़छी मैंने कुकर को गर्म कर लिया था नॉर्मल टेम्परेचर पे, अब गैस को कर देंगे इसको स्लो। आप गैस पे बनाएं चाहे अपना इंडक्शन में बनाएंगे। एक चम्मच मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल, एक चम्मच यानी एक कड़छी, उतना ही डालिएगा जितने मैंने पॉपकॉर्न दो तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। देखिए एक एक दाने के ऊपर ना आपका घी लगा होना चाहिए गाइस, और आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट लगातार इसको मीडियम आंच पे इन दानों को पॉपकॉर्न्स को देखिए लगातार घी के अंदर हल्का सा फ्राई, जैसे भूनते हैं ना गाइस हम मसाला, वैसे 1 से 2 मिनट आप लगातार इसको लगातार हिलाइएगा, बीच में रुकिए ना, नहीं तो दाने आपके जल जाएंगे। देखिए हल्का ही हम लगातार घुमाते रहेंगे, देखिए होने लग पड़े ना, कलर चेंज हो चुका है हमारी मक्की का। जैसे कलर चेंज होगा हम टेम्परेचर को हल्का मीडियम कर देंगे, और देखिए गाइस सिर्फ 2 मिनट में अब फूलने लग पड़ा है ना, एक फूटा हमारा। तो मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, और सिर्फ हम क्या टाइम नोट कर लीजिए घड़ी का, 1 से 2 मिनट के बीच में आप 10-10 सेकेंड के बाद कुकर को शेक करते रहिएगा, जैसे मैं अभी करके आपको बता ही रही हूँ। देखिए मैंने 10 सेकेंड भी थे, अब मैंने हिला दिया, इससे क्या होगा आपको पटाखों की आवाज़ आ रही है ना फूटने की, अंदर से फूटते रहेंगे, जिससे कि ऐसे हिलाने से क्या होता है, जो दाने ऊपर नीचे हो जाते हैं फूल जाते हैं, वो बीच में रोड़े रोड़े से रह जाते हैं, यानी खड़े खड़े दाने रह जाते हैं, इसीलिए रह जाते हैं कि हम इसको हिलाते नहीं हैं। आपने बनते हुए भी देखे होंगे, वो बार बार शेक करते हैं ना, वैसे हम कुकर को शेक करते रहेंगे। ये एकदम जम्मी टेस्टी 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे तैयार हो जाएंगे पॉपकॉर्न्स। अभी आप देखिए जादू सा हो जाएगा, एकदम बढ़िया से पॉपकॉर्न तैयार होंगे। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नई नई वीडियोज़ नए नए टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ व्हाट्सअप पे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए गाइस तैयार हो गए ना पॉपकॉर्न जादू से 2 मिनट में, कुकर हमारा थोड़े से सिर्फ 1 से 2 मुट्ठी, यानी टोटल मैं 200 ग्राम लेकर आई थी, 100 ग्राम पॉपकॉर्न हमने ये बनाए हैं। इनको भी हम दो तरीके से बनाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए एकदम खिला खिला दाना, एक भी नहीं जला, और सारे तैयार हुए हमारे दाने। देखिए गाइस कुकर के नीचे भी नहीं लगा। अब मैं सेम कुकर को द्वारा से साफ करूंगी, और एक कड़छी कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जो बाकी रहे हैं ना गाइस वो बनाएंगे। वो कैसे हम बनाएंगे, मसाला वाले और कैरेमल वाले भी बनाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो गाइस देखिए इनको भी हम सेम वैसे ही तरीके से भूनेंगे, हल्का ही भूनते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, मीडियम आंच पे रखिएगा, लगातार हिलाइएगा। जब हम पॉपकॉर्न बनाएंगे तब भी देखिए जहाँ मैं डाल दूंगी मसाला वाला बनाने के लिए नमक, और इसी के साथ डाल देंगे, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिएगा थोड़ा सा, एकदम चटकारे वाला आएगा, और साथ में हल्दी पाउडर डाल देंगे। देखिए गाइस और सेम कलर मार्केट जैसा ही मिलेगा आपको। मसाले वाले पॉपकॉर्न्स कैसे बनते हैं, तो गाइस इसी तरीके से बनते हैं, यम्मी टेस्टी। जिसका दिल करता है फीके फीके, बड़े बुजुर्ग खाना चाहते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट फीके फीके, तो आप फीके वाले बनाइए। मसाला कुरकुरा खाना चाहते हैं बच्चे आजकल के, चटपटे करारा खाना खाते हैं, तो उनको ये खिलाइए। और जब कुछ खाना खाने के बाद मीठा खाने का दिल करे तो आप कैरेमल वाले खाइएगा। देखिए गाइस सिर्फ लगातार 1 से 2 मिनट ही मैंने इसको रखा, और 2 मिनट के अंदर हमारे ये पॉपकॉर्न्स तैयार हो जाते हैं।
देखे लगातार हिलाते रहेंगे जिससे नीचे ना लगे और जले ना हमारे दाने। सिर्फ इसलिए इसको लगातार हिलाते रहिएगा। देखिए गाइस फूटने शुरू हो गए हैं हमारे, एकदम फूला फूला बनने लग पड़ा है ना। फटाफट हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और सेम वही प्रोसेस करेंगे, लगातार हिलाएंगे 10-10 सेकंड में, यानी एक मिनट में हम 4 से 5 टाइम इसको शेक करेंगे जिससे कि बनते भी रहें और हमारे फूटते भी रहें। देखिए आवाज़ देखिए कैसे आ रही है ना फूटने की, आपको यम्मी टेस्टी एकदम बढ़िया से पॉपकॉर्न्स तैयार हो जाएंगे। आप कहीं बाहर जा रहे हैं सफ़र पे भी जब बना करके लेके जा सकते हैं, लिफाफा बंद करिए, नहीं तो आप बाहर जाएं तो बाहर में भी हमें बहुत ही महंगे जो पॉपकॉर्न 50-100 रुपये का मिलता है, ज़रा से 10-20 रुपये वाले तो बिल्कुल ऐसे आते हैं एक जना भी नहीं खा पाता। जब आप जो 30 रुपये के पॉपकॉर्न सिर्फ 200 ग्राम लेकर आइएगा गाइस, बहुत ही सस्ते 150 से 200 रुपये किलो जो मक्की मिल जाती है। और सिर्फ जहाँ पर अब मैंने जो 100 ग्राम मक्की बनाई है गाइस, 100 ग्राम नहीं तो 120 ग्राम होगी मसाला हमारा पॉपकॉर्न, 80 ग्राम बने हमारे ये वाले पॉपकॉर्न। देखिए मसी 15 रुपये के हमारे जो पड़े 80-100 ग्राम, देखिए बढ़िया यम्मी टेस्टी। तो अब हम बनाएंगे कैरेमल वाले, कैसे बनाते हैं एकदम यम्मी टेस्टी। तो गाइस देखिए जहाँ मेरा पैन जो था ना वो नॉनस्टिक उसकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैंने तो इसको नॉनस्टिक बना दिया है, 1 चम्मच प्योर देसी घी लगा दिया है। आप जहाँ पे बटर भी लगा सकते हैं, और जहाँ मैंने डाल दिया जहाँ पे चीनी शुगर यानी जो ले लेंगे गाइस, कितनी लेंगे शुगर हम, जैसे मैंने पॉपकॉर्न जहाँ डाले ना 80 ग्राम, तो 80 ग्राम ही मैं जहाँ पे चीनी ले लूँगी, यानी 1 बड़ा चम्मच कड़छी कह लीजिएगा। इसको मीडियम आँच पर हम इसको गरम करेंगे, चीनी को देखिए बढ़िया सी मेल्ट हो जाएगी। इसमें हम क्या डालेंगे जिससे कि एकदम क्रंचीपन वैसा ही आए जैसे हमें जाके मॉल में मिलता है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए फटाफट 2 से 3 मिनट में हमारी ये चीनी मेल्ट हो जाती है, एकदम कैरेमल तैयार हो चुका है हमारा चीनी का। देखिए कलर देखिए, इसको ज़्यादा तेज आंच पे मत कीजिएगा नहीं तो आपके कड़वे बन जाएंगे, चीनी आपकी जल जाएगी। तो देखिए जहाँ डाल दिया मैंने 1 चुटकी मीठा सोडा जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं ना गाइस, वही डाला है। देखिए एकदम से कलर चेंज हो गया जो हमारे को अक्सर पॉपकॉर्न्स का मार्केट में बाजार में मॉल वाले में मिलता है। देखिए घी हमने पहले ही लगाया हुआ था, मक्खन प्योर देसी घी के एक बार बना करके देखिए गाइस, सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डलता है। और बाजार में हमें देसी घी का नाम दे करके कि जी प्योर घी के बने हुए हैं जो बटर वाले आपके जम्मी टेस्टी, तो सिर्फ 1 चम्मच बटर वाले में भी बटर लगता है गाइस, तो इतने महंगे महंगे हमें ये पॉपकॉर्न क्रंची से मिलते हैं। फटाफट गाइस इनको मिला दीजिएगा, जले ना, गैस को कर दीजिएगा बंद, एकदम यम्मी टेस्टी। अभी आपका जैसे जो चिपकेंगे बहुत गर्म होता है गाइस, उबलते पानी से भी ज़्यादा, खोलते पानी से भी ज़्यादा गर्म ये चाशनी होती है, इसलिए अपना हाथ जरूर बचा लीजिएगा जब बनाएंगेगा। तो गाइस जैसे ये ठंडे होंगे ना एकदम ये क्रंची से हो जाएंगे और अलग अलग भी सेपरेट आराम से हो जाते हैं, पहले तो ये बंच बन जाएगा आपका। देखिए एकदम सेपरेट सेपरेट हो गए ना, 2 मिनट में ठंडे हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एकदम क्रंची। हाथ बचा करके कीजिएगा, हाथ मत जला लीजिएगा पॉपकॉर्न क्रंची वाले बनाते बनाते, एकदम जम्मी टेस्टी। खाना खाने के बाद खाइए, चाहे पिकनिक पे लेकर जाइए, जब समर्स में छुट्टियां बच्चों की पड़ रही हैं रोज़ रोज़ उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए गाइस, तो क्यों ना खुद भी है भी हेल्दी के हेल्दी और टेस्टी भी। पॉपकॉर्न्स कैसे बनाते हैं तो गाइस इसी तरीके से बनाते हैं, यम्मी टेस्टी। देखिए हमने बना लिए 2-2, 3-3 फ्लेवर अलग से और मिनटों में बन गए, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और सिर्फ 200 ग्राम 30 रुपये के पॉपकॉर्न से हमने ढेरों पॉपकॉर्न बना दिए जो हमें अक्सर मार्केट में जो 500 से 600 रुपये के मिलते हैं, सिर्फ इतने से पॉपकॉर्न्स, क्योंकि मैंने भर भर के बनाए गए, 2 कुकर तो आपने भरे ही देख लिए हैं, तो इसलिए इतने के तो बनते ही हैं। देखिए है ना यम्मी टेस्टी। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है कि नई नई वीडियो, नए नए टिप्स आपके पास नए नए लेकर आएँ ढूंढ ढूंढ करके कि आपको रेसिपी दें जो एकदम परफेक्ट 1 टाइम में ही आपकी बढ़िया सी बने। तो गाइस मेन टिप्स जहाँ पे यही है, जब आप दाने कुकर में डालेंगे ना तो घी प्रॉपर उनके अंदर लगा होना चाहिए। दूसरा टिप है लगातार हिलाते रहिएगा, जैसे ही एक फूटे फटाफट कुकर का ढक्कन लगाइए, तैयार हो जाएंगे आप